हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम शुगर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानेंगे। शुगर होने पर शरीर क्या संकेत देता है या शुगर के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं, तो चलिए अब हम जानते हैं। ग्लूकोज लेवल बढ़ना साइलेंट किलर माना जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये शरीर को अंदर से ख़त्म कर देता है, जिससे मरीज की आइज़, किडनी, नर्व या हार्ट डैमेज होने का खतरा रहता है। शुगर के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, कैसे आपको पता लगे कि आप शुगर की चपेट में आ रहे हैं? बार बार प्यास लगना, अत्यधिक प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वजन का कम होना या बिना कुछ किए ही थकान का अनुभव होना, ज़्यादा पेशाब आना, और रात में अगर आप सो रहे हैं तो भी आपको सोते समय रात में भी आपको कई कई बार उठ के जाना पड़ता है पेशाब के लिए। छालों और घावों का धीमी गति में ठीक होना, मान लीजिए आपके छाले हो गए हैं या कहीं चोट लग गई है, कट गया है, उसको ठीक होने में यदि टाइम लग रहा है तो भी आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है आपको शुगर हो रहा हो। शुगर, डायबिटीज़ या मधुमेह, ये सब जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुँचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, इसको डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो एक तरह का ये हार्मोन होता है, ये शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। शुगर लेवल को नियंत्रित करने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ लिखेंगे जिसको खा के आप अपना शुगर लेवल नियंत्रित कर सकते हैं, या कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जिसको करके भी आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के मरीजों के लिए कौन कौन सी चीज़ रामबाण है, तो शुगर के मरीजों के लिए अगर हम फल में बात करें तो जामुन सबसे ही बेस्ट है। जामुन खाइए आप शुगर के मरीज जो हैं, या आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं अपने खाने में। रोज़ाना दालचीनी का सेवन करें, मेथी दाने का प्रयोग करें। दालचीनी को आप पानी में उबाल के और उसको गुनगुना, आप दालचीनी को पानी में उबाल लीजिए और उसको छान के गुनगुना धीरे धीरे बैठ के दालचीनी का पानी पी सकते हैं। आप इसी प्रकार मेथी दाने का भी पानी पी सकते हैं। आप एक चम्मच मेथी दाने को रात में एक गिलास पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उस मेथी दाने के पानी को पी लीजिए, और हो सके तो उस मेथी दाने को भी अगर आप चबा चबा के खा जाएंगे, थोड़ा कड़वा ज़रूर लगेगा, कशरला ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे आपका जो शुगर लेवल है वो नियंत्रित हो जाएगा। और कुछ योग के द्वारा भी आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो योग कौन कौन से हैं? भुजंगासन है, पश्चिमोत्तानासन है, धनुरासन है, मंडुकासन है। ये एक्सरसाइज हैं, ये भी अगर आप डेली करते हैं तो ये शुगर के मरीजों के लिए रामबाण का काम करता है। ना ही शुगर के मरीजों के लिए भी, अन्य बीमारियों के लिए भी, आपको स्वस्थ रखने के लिए भी ये कुछ व्यायाम जो हैं ये करना अति आवश्यक है, और इनको करके आप शुगर, बीपी, थायराइड, इन सब से भी बच सकते हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? भुजंगासन, सर्वांगासन, शलभासन और धनुरासन, मंडुकासन, पश्चिमोत्तानासन। अगर इन एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल आ जाएगा। तो कुछ छोटी छोटी सी बातों का भी, आप अपने डेली रूटीन का भी अगर ध्यान रखते हैं तो भी कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे आपको टाइम से सोना चाहिए, टाइम से जगना चाहिए, हेल्दी फूड्स लेने चाहिए, आपको बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड या पैकेट बंद, ये सब आपको अवॉइड करना है। आप घर का भोजन लीजिए, शुद्ध भोजन लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी जानकारी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।